ठीक है, आज हम नेक्स्ट समझते हैं इनवर्स। अब देखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालना हमने सीख लिया है। अब देखिए इनवर्स क्या होता है। बेसिक सी डेफिनेशन पहले आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और मैंने ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे मिल क्या रहा है, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। किसी भी ऑर्डर के हों, अगर ये nth ऑर्डर है, ये भी nth ऑर्डर है, तो मुझे आइडेंटिटी भी nth ऑर्डर का मिल रहा है। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, आपको बताया था, जिसमें अगर 3x3 की हम बात करें तो उसके डायगनल में सिर्फ 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। 4x4 है तो डायगनल उसमें जो है सिर्फ 1 होगा, बाकी सब 0 0 0 होंगे। ठीक है ना, 5x5 है तो अगेन, मतलब कैसा भी मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसके डायगनल एलिमेंट जो है वो 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मुझे दो मैट्रिक्स ऐसे मिल रहे हैं कि अगर मैं उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में इंटू करता हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाती है ना। और तो फिर इसमें एक खास बात ये होगी कि अगर ए इंटू बी मुझे आई मिल रहा है तो मुझे बी इंटू ए भी आई ही मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। ऐसे सिचुएशन में हम बोलते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, या फिर बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, मतलब ये ए जो है बी का इनवर्स मैट्रिक्स है ना। इनवर्स मैट्रिक्स हम तब बोलते हैं जब उन दो मैट्रिक्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो मुझे आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेसिक सा डेफिनेशन। फिर हर अगर कोई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अब एग्जिस्टेंस के ऊपर भी हम चलेंगे, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। यूनिक माना ऐसा नहीं है कि वो किसी भी, लेट्स से एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, मुझे आइडेंटिटी मिल गया। अब उसी मैट्रिक्स ए को मैं किसी और सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, या उसी मैट्रिक्स को मैं किसी और मैट्रिक्स डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये बी सी और डी ये सेम मैट्रिक्स होंगे, अगर ये बी सी और डी अलग अलग मैट्रिक्स हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूल है कि एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है ना, उसके एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो यूनिक होता है, प्रोवाइडेड उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स या ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये बहुत जरूरी कंडीशन है कि कोई भी मैट्रिक्स उसका अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दैट इज हम उसको बोलते हैं दैट द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है, या फिर द इन्वर्स एग्जिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एक ही बात है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नो बाय नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, देखिए कोई भी मैट्रिक्स ए है, मैं उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस जैसा लगता है। तो डिटर्मिनेंट अगर मुझे ज़ीरो मिल जाए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालता हूँ और अगर वो डिटर्मिनेंट मुझे ज़ीरो मिलता है तो हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, कोई भी मैट्रिक्स हम निकालते हैं और मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मुझे ज़ीरो मिल जाती है तो मैं उसको बोलता हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर मैंने किसी मैट्रिक्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स बी है और मैंने उसका डिटर्मिनेंट निकाला और वो मुझे ज़ीरो नहीं मिलता है, कुछ भी मिलता है, नेगेटिव मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, फ्रैक्शन मिलता है, कुछ भी मिलता है, लेकिन ज़ीरो के अलावा कुछ मिलता है, ऐसे सिचुएशन में जैसे कि ये बी जो है मुझे ज़ीरो नहीं मिल रहा है, तो इस बी को मैं क्या बोलूँगा, नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स इन्वर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करे उसके लिए बहुत ज़रूरी कंडीशन है कि वो नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होना चाहिए इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गई सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन। अब देखिए ये जो एडजॉइंट हमने निकाला था, इस एडजॉइंट के कंसेप्ट से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए ए इन्वर्स, ठीक है, मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है
उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मुझे याद रखना है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, अगेन ये मॉड ए नहीं है, डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए। यहाँ पे ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट ए मतलब ये कोई एक नंबर होगा, कोई एक वैल्यू होगी, और यहाँ पे ये जो हम एडजॉइंट ए की बात कर रहे हैं ये एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है, मतलब एक एरे होगा इस फॉर्म में, 2x2, 2x2, 3x3, एनीथिंग, ठीक है। तो ये हमने समझा, ये फॉर्मूला देखा, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम में, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ पे जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो ये याद रखिए कि कोई एक मैट्रिक्स का इन्वर्स, वापस आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब देखिए इस ये जो आपको मैंने बताया एडजॉइंट वाले कंसेप्ट से हम कैसे इन्वर्स निकालते हैं, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए। पहले हम एक 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर हम 3x3 का भी ले लेंगे। लेट अस से मेरे पास क्वेश्चन है 2-1, 3 एंड 4, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2-1, 3 एंड 4। आपको बोला है इफ ए इज इक्वल टू दिस फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। कभी भी इन्वर्स निकालने के जो स्टेप्स होते हैं उस स्टेप में सबसे पहला स्टेप इज फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, 2 4 8, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 विद अ माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन नीचे से ऊपर जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हम एक माइनस और लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 एंड 8, ये हमें मिल जाएगा 11, विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो ये हमें 11 मिला था, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें फॉर्मूला था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस वॉज एक्चुअली ए इनवर्स। अब मुझे एडजॉइंट ए निकालना है, तो हमने यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या समझा था, ये दोनों डायगोनल के एलिमेंट्स जो है जगह बदल दो, ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, 3 को नेगेटिव कर दो, -1 को +1 बना दो, ठीक है, यही समझा था, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ए इनवर्स लिखना है इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, फॉर्मूला यही कहता है। डिटर्मिनेंट ए हमने कितना निकाला था, 11 निकाला था, नाउ मैं लिख लूंगा 4, -3, 1 एंड 2, बस इस नंबर को अंदर ले जाइए, हमारा काम हो गया, ए इनवर्स हमें मिल गया। ए इनवर्स हमें कितना मिला यहाँ पे, 4 अपॉन 11, 1 अपॉन 11, -3 अपॉन 11 एंड 2 अपॉन 11, सो दैट इज माई फाइनल आंसर। 3x3 हमें जो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, 1 × 4 = 16, -3 × 3 = 9, माइनस इसको हम अगर ऐसे एक्सपेंड कर लें वो ज़्यादा अच्छा है, 1 and 3 4 = 12 and 3 3 = 9, एंड वी हैव अ प्लस, 3 3 = 9 and 4 3 = 12, so that becomes 7 and this is -3, तो ये हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है ना, 1 मिल गया। अब
फॉर्मूले को मुझे ध्यान में रखना है, तो ये जो 1 है ये किसकी वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, मतलब ये सिंगुलर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ए इज 1, ठीक है। अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं सो दैट हम जो है एडजॉइंट निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे C11 लिखता हूँ, C11 हो जाएगा, ये लाइन पूरा हटा देते हैं, 4 4 16, 3 3 9, है ना, तो 16 एंड 9 कितना मिल जाएगा मुझे, 7 मिल जाएगा, 1 1 + 1 = 2, इवन नंबर, साइन नहीं चेंज करेंगे। C1 एंड 2 ये हो गया, तो ये लाइन हटाएंगे, 4 1 = 4 हो जाएगा, 3 1 = 3 हो जाएगा, 4 - 3 = 1, ऑड नंबर है, साइन चेंज करते हैं। इसी तरीके से C13, इस लाइन को हटाएंगे, इस लाइन को हटाएंगे, 3 1 = 3, 4 1 = 4, 3 - 4 = -1, इवन नंबर है, साइन को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। C21, 22 और 23 ये मुझे निकालना है। 21 को जब निकालेंगे, 3 4 = 12, 3 3 = 9, तो 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9, ये मुझे 3 मिल जाएगा, ठीक है, 2 + 1 = 3, ऑड नंबर, माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2 एंड 2 ये हो जाएगा, 4 1 = 4, 3 1 = 3, तो 4 - 3, ठीक है ना, 4 1 = 4, 3 1 = 3, ये 1 मिल जाएगा, इवन नंबर, साइन चेंज नहीं करेंगे। 2 एंड 3, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 0 हो जाएगा, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सी थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड एंड थर्ड थर्ड ये हम निकाल लेते हैं, तो थर्ड फर्स्ट ये हमें मिल जाएगा, 3 3 = 9, 4 3 = 12, तो ये हमें माइनस 3 मिल जाएगा, 3 + 1 = 4, साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। 3 एंड 2 = 5, अच्छा साइन चेंज करना है, तो 3 1 = 3, 3 1 = 3, 0, साइन चेंज करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 4 1 = 4 एंड 3 1 = 3, ये हमें 1 मिलेगा। 3 एंड 3 = 6, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो इसका एडजॉइंट है, पहले एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो बार बार मैं वो फॉर्मूला मेंशन नहीं करूंगा, बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मैंने 1 1 1 2 1 3 ऐसे अरेंज किया हुआ है, 2 1 2 2 2 3 ऐसे अरेंज किया है, मुझे सिर्फ ये वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पे इसी ऑर्डर में कॉपी करना है। ठीक है, ये हमने क्या किया, एडजॉइंट ए निकाल लिया। एडजॉइंट ए निकालने के बाद मैं लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए कितना है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ए यहाँ पे 1 है, और हमने एडजॉइंट ए कितना निकाला, 7 निकाला, -1 -1 -3 1 0 -3, ये हमने निकाला है, तो 1 अपॉन 1 वापस 1 हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो नहीं लिखो। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। ये हमने देखा 3 by 3 अगर हमें मिलता है तो हम कैसे जो है इनवर्स निकालेंगे। आगे इसमें कुछ रूल्स, लॉज या थ्योरम्स हम कुछ भी कह सकते हैं, ये है जो मैं आपको बता देता हूँ, इस पर बेस्ड कई बार 1 marker questions आ जाते हैं, एंड कई बार ये कंसेप्ट जो है, ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ या लॉ आपको बता रहा हूँ या थ्योरम आप कह लीजिए जो भी होंगे, ये इसके कंसेप्ट जो है कई बार कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो थ्योरम या लॉ हम कह सकते हैं वो है कैंसिलेशन लॉ। और कैंसिलेशन लॉ बेसिकली ये कहता है कि ए बी एंड सी आर 3 matrices, ठीक है ना, इसमें कंडीशन दी हुई है ए बी सी और ऑल ऑफ सेम ऑर्डर, ये सारे मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं, देन ए इसमें जो है नॉन सिंगुलर है, दैट मींस ए मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं है, है ना, 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। All the matrix are of same order and all the matrix A is non
सिंगुलर, ठीक है ना। तो अब सेम ऑर्डर एंड ऑल द मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आपको ये सारे मैट्रिक्स क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको बोला है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, सी एक मैट्रिक्स है, और आपको बोला मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स सी, देन कैंसिलेशन लॉ ये कहता है कि हम यहाँ पे जो कॉमन मैट्रिक्स है इसको कैंसिल करके बी इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो थ्योरम हम कुछ भी कह सकते हैं, ये बेसिकली इसको हम बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए बी ए इज इक्वल टू बी, सॉरी सी ए दिया हुआ है, ठीक है ना, बी ए इज इक्वल टू सी ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम ये ए और ए कैंसिल करके बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड राइट कैंसिलेशन लॉ। ये हो गया राइट कैंसिलेशन लॉ, ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और इसका प्रूफ मैं आपको जस्ट एक बता देता हूं, ऑल्दो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल फॉर योर नॉलेज। यहां पे लेट्स से आपको ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को, दोनों के लेफ्ट साइड में हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी, ठीक है ना। हम सेम मैट्रिक्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है एसोसिएविटी, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ब्रैकेट्स को जो है आगे पीछे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस ब्रैकेट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब मुझे मालूम है ए इनवर्स इंटू ए जो है ये आइडेंटिटी होता है, तो ये हो गया आइडेंटिटी इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू सी, ठीक है ना। ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मुझे मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 है बाकी सब 0 हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो इसको बी से इंटू करेंगे तो बी मिलेगा, इसको सी से इंटू करेंगे सी मिलेगा, तो बेसिकली बी इज इक्वल टू सी मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो हमने बी बी ए इज इक्वल टू सी ए किया था उसमें हम क्या करेंगे, इसमें जैसे मैंने ए इनवर्स को पहले इंटू किया उसमें मैं इनवर्स को बाद में इंटू करूँगा, और यही ब्रैकेट्स को जो है ट्रांसफर करके बी इज इक्वल टू सी दोबारा से जो है प्रूव कर सकता हूँ। तो ये हमने देखा कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन एंड द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। एंड नाउ वी हैव रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ बेसिकली ये कहता है कि सपोज एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है और दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया फिर उसका इनवर्स निकाला, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया और दोनों का प्रोडक्ट का मैंने इनवर्स निकाला। यहाँ पे बस ध्यान रखना है बोथ द मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। यहाँ पे जैसे पीछे वाले प्रॉपर्टी में सिर्फ ए नॉन सिंगुलर था, यहाँ पे ए एंड बी बोथ मस्ट बी नॉन सिंगुलर, है ना, बोथ मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड तो ऐसे सिचुएशन में ए इंटू बी इनवर्स जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। हो क्या रहा है यहाँ पे, ए और बी था लेकिन मैंने जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालो या दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करो, तो करना क्या है, अगर मैंने ए और बी को इंटू किया इनवर्स निकाला तो मुझे बी इनवर्स को ए इनवर्स से इंटू करना पड़ेगा रिवर्स ऑर्डर में। जिस ऑर्डर में आप इंटू करोगे इनवर्स निकालने के लिए आप रिवर्स ऑर्डर में उनके इनवर्सेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिजल्ट सेम मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। एंड इसी का कंटिन्यूशन लेट से ए बी और सी हमारे पास तीन मैट्रिसेस होते हैं सेम ऑर्डर नॉन सिंगुलर, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका मुझे इनवर्स निकालना होता तो इसको मैं सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया रिवर्सल लॉ।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो ये कि इफ ए इज इन्वर्टिबल तो फिर ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल. मोरओवर ए ट्रांसपोज इनवर्स इज ए इनवर्स ट्रांसपोज. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का इनवर्स. ठीक है ना, ये होगा. फिर दूसरी चीज, अगर आपको बोला है कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है तो जरूरी है कि जो उसका इनवर्स होगा वो भी सिमेट्रिक होगा, है ना. इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक. ठीक है, इफ ए इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैं बता दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, ए कोई भी मैट्रिक्स है और मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं. ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करने के बाद भी आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलता है. मतलब ए एंड ए ट्रांसपोज आर इक्वल, तो ऐसे में उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक. ठीक है ना, तो ये हो गया. फिर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कि एंड इस पे बेस्ड कई बार ना वन वन मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं. एंड दैट इज, लेट्स से हमने एडजॉइंट ए निकाला. अब आपको मालूम है कि एडजॉइंट ए क्या है, बेसिकली एक मैट्रिक्स है. ठीक है ना, जैसे कि आपको फॉर्मूला अभी बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एंड एडजॉइंट ए. आपको बताया था कि ये जो एडजॉइंट ए लिखा हुआ ये एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स लिखा हुआ ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो है ये एक नंबर है क्योंकि डिटर्मिनेंट है. तो एडजॉइंट ए बेसिकली क्या है, एक मैट्रिक्स है. लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एडजॉइंट का बार लगा हुआ मतलब डिटर्मिनेंट, मैं एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ. तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, जहां पे एन इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए होल पावर एन माइनस वन, वेर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. अब देखिए इस पे आपको क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी पे दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन. एक सैम्पल क्वेश्चन बताता हूं कि आपको बोला है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू लेट्स से 5, फाइंड डिटर्मिनेंट ए कम एडजॉइंट. ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कई बार वन मार्कर में. तो यहां पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ए होल पावर एन माइनस वन. एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, मुझे डिटर्मिनेंट ए जो है ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो मैं इसको 5 लिख लूंगा और इस 5 की पावर मैं लिखूंगा n माइनस वन, वेर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ऑर्डर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 माइनस वन इज 2, तो 5 पावर 2, 5 स्क्वायर 25. तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट मुझे कितना मिल जाएगा, 25. नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज. मान लीजिए ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और मुझे उसका एडजॉइंट निकालना है. ठीक है, तो ये रूल कहता है कि ए और बी आर टू मैट्रिक्स और उसका मुझे एडजॉइंट निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट निकालना है. तो जैसे हमने इनवर्स में रिवर्सल लॉ पढ़ा था, वैसे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे हम लिख सकते हैं. फिर नेक्स्ट है कि हमें मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट का ट्रांसपोज, ठीक है ना, किसी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का ट्रांसपोज विल बी
ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट, ठीक है। मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं फिर एडजॉइंट निकालूं, या फिर एडजॉइंट निकालूं फिर ट्रांसपोज करूं, मुझे रिजल्ट जो है सेम मिलेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। फिर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मुझे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, इफ ए इज सिमेट्रिक, आपको बोला इफ ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक है ना। अगर ए सिमेट्रिक है मतलब उसके ट्रांसपोज करने से भी वो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो उसका जो एडजॉइंट है वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो बेसिकली अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, और पीछे हमने क्या पढ़ा था, उसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक होगा। फिर रिवर्सल लॉ में हमने पढ़ा था अगर ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, एडजॉइंट में भी हम वही बात पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने चीज़ समझी। और नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी तो आपने देख ली, एक प्रॉपर्टी और बताते हैं कि मान लीजिए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए है उसके एडजॉइंट निकालता हूँ, उसका फिर से एडजॉइंट निकालता हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर एन माइनस टू इंटू द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट निकालने के बाद फिर से मैंने वही प्रोसेस करके उस एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट निकाला, तो वो बेसिकली क्या है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसको सिर्फ डिटरमिनेंट ए पावर एन माइनस टू करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। एंड अगर मुझे इस एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है ना, एडजॉइंट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ए पावर एन माइनस टू का स्क्वायर, सॉरी नॉट एन माइनस टू, एन माइनस वन, डिटरमिनेंट ए पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, है ना, टू मैंने गलती से लिख दिया था। और देखिए सिर्फ एडजॉइंट ए हमने अभी पीछे पढ़ा था एन माइनस वन था, यहाँ पे एन सिर्फ एन माइनस वन था, यहाँ पे क्योंकि दो बार एडजॉइंट हो रहा है स्क्वायर हो गया, ठीक है ना।